हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं बढ़ने की वजह से हमने इरादा किया है 500 वीडियोस के बाद हम अपना चैनल पे वीडियोस कुछ देर के लिए रोक देंगे, क्योंकि अगर आपकी सपोर्ट नहीं मिलेगी सब्सक्राइबर के ज़रिए तो हमारा वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है। और माशाल्लाह से हमारा जो चैनल पर व्यूज़ हैं वो 60,000 प्लस से भी ऊपर व्यूज चले गए, बट सब्सक्राइबर 245 सब्सक्राइबर है। चले, उम्मीद है जो ये वीडियो देख रहा होगा वो वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, और या वो मेरा सब्सक्राइबर होगा। चलें शुरू करते हैं। जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। मास ऑफ द रॉकेट एक्सपोनेंट 5G kg, मैग्नीट्यूड ऑफ हास्ट इसको FT से जाहिर करेंगे। FT सेवन पॉइंट 37 मल्टीप्लाई बाय 10^6 यूनिट n है। डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट एक्सेलरेशन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए पॉइंट क्या फाइंड करना? द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ए एक्स इक्वल्स टू एफ टी एक्स। एफ टी एक्स ओके, एम इक्वल्स टू एफ टी मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय एम। सही है? अच्छा, जो जो चीज़ें हमें गिवन है, हम जैसे एफ टी हमारे पास गिवन है 7.37 मल्टीप्लाई बाय 10^6 यानी कि 6 एन, और कॉस एंगल हमें पता है, एंगल ये रहा 59.5। एम हमारे पास गिवन है ये रहा, ठीक है। जस्ट इन सब की वैल्यूज इधर पुट कर देंगे,
इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इलेवन पॉइंट जीरो थ्री फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास ए एक्स आ गया। फाइंड करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो हम लिख लेते हैं द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नीचे लिखते हैं ए वाई एफ टी वाई माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय एम। तो इसका फॉर्मूला है इक्वल होता है एफ टी साइन एंगल माइनस एम जी डिवाइडेड बाय एम। वही जो जो गिवन है हम उसमें वैल्यूज रखते जाएंगे। सो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 7.33 37 10 की पावर 6 एंड मल्टीप्लाई बाय साइन 59.5 माइनस 3.39 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 केजी मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है 3.39। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास ए एक्स आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 8.932 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ये हमारे पास होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं आपके लिए, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। जस्ट इसमें ए वाई की वैल्यू यहाँ ये रख देंगे और ए एक्स की वैल्यू हमने जो ऊपर मालूम की थी ये वाली वैल्यू हम फाइंड यहाँ रख देंगे और स्क्वायर करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे, फिर स्क्वायर रूट कर देंगे। तो हमारे पास ए एक्स की वैल्यू क्या थी, अलेवन पॉइंट जीरो थ्री फोर का स्क्वायर प्लस 8.932 का स्क्वायर,
कैलकुलेट करेंगे। हाँ हमारे पास ये 14.196 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 14.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका बी पार्ट है वो फाइंड करेंगे, नेक्स्ट पीस करते हैं हम, बी पार्ट फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, फॉर्मूला लिखते हैं 10 एंगल ए वाई ए एक्स, जस्ट वैल्यू सेट लेंगे जो हमने फाइंड करी थी 8.932 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जीरो पॉइंट 8095, तो एंगल आ जाएगा हमारे पास 38.99, सही है। द डायरेक्शन एस एट 38.99 अबव पॉजिटिव एक्स एक्सिस, होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल का लिंक यही है। बाय।